आप देखो, आप अपने जो ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को बुलाया है उसका टॉपिक है ऊंचाई पर कार्य, क्योंकि अपना सभी का काम ऊंचाई पे ही है मेन। और यहाँ जो अपने बीच में जो सब आदमी है, जो गैंग है, इन सबका मेन काम है ऊंचाई पे काम करने का, वेल्डिंग का, कटिंग का, पिकअप का, दूसरा फीड पाइप का, फीड पाइप असेंबली, फीड पाइप लिफ्टिंग और फीड पाइप बैठाने का काम। तो ये जो काम है ऊंचाई पे, सबसे पहले बात करते हैं ऊंचाई पर कार्य की। तो ऊंचाई पे जो काम करना है, ऊंचाई पे कार्य करना, ये बहुत बड़ा खतरा है। और ऊंचाई पे जब हम काम करते हैं उसमें दो खतरे सबसे बड़े होते हैं, कोई बता सकता है कौन कौन से? भाई ऊंचाई पे जब आप काम करते हैं तो दो खतरे सबसे बड़े होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नंबर एक, दो खतरे बता दो आप, सबसे बड़े खतरे दो कौन कौन? एक तो आपने बताया लूज मटेरियल के गिरने का, एक खतरा ये हो गया। दूसरा खतरा एंकरिंग पॉइंट, थोड़ा और नजदीक जा रहे हो आप, थोड़ा और बता दो प्लीज। पहुंच गए हो ऊंचाई पे, दो चीज का गिरने का सबसे बड़ा खतरा होता है, गिरने का खतरा, आदमी के गिरने का, आदमी के गिरने का खतरा, दूसरा मटेरियल के गिरने का खतरा। अब दोनों ही खतरे जो है बहुत ही बड़ा खतरा है दोनों का। आदमी के गिरने की संभावना कब रहती है? जब असुरक्षित तरीके से काम करता है, या बेल्ट को गलत तरीके से पहना है, या बेल्ट को गलत तरीके से फंसा है, या काम करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, या आने जाने के लिए बराबर अप्रोच नहीं है। कई कई बार मालूम क्या होता है, साइड पर खुद आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग बेल्ट तो लाते हैं, लाए उठाया और पहन लिया और चढ़ गए ऊपर काम करने। कितना आदमी है जो ऊंचाई पे जाने के पहले अपना अपना बेल्ट का चेकिंग करता है, बेल्ट की जांच करता है? भाई हो सकता आज आपने काम किया, आज आपका बेल्ट पूरा सही है, लेने आज सही है, हुक सही है, सब सही है, आप गए आपने अपना काम खत्म किया, ले जाने कहाँ रख दिया? पेटी में। अब पेटी में आपके कई तरीके के टूल्स भी रखे हैं, कई औजार भी रखा है, मान के चलिए कोई केमिकल भी रखा है, या हो सकता रात में चूहा आके उतर दिया हो सकता कि नहीं? अब डेली डेली आप बेल्ट जहाँ पेटी में रख रहे हैं, कोई नुकीली धारदार कोई टूल्स है या चाकू वगैरह या कुछ भी रखा है उसके ऊपर में डेली रखते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, लाके उपयोग करते जा रहे हैं, तो हो सकता है कटते कटते वो थोड़ा बचा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। अब ऊंचाई पे काम करते समय आप किसके भरोसे काम कर रहे हैं? बेल्ट के भरोसे। थोड़ा झटका लगा तो सबसे पहले जब हमें जाना है बेल्ट की पूरी जाँच करना, बेल्ट में क्या क्या जाँच करेंगे? कोई एक आपने बीच से आदमी आके बताएगा बेल्ट में क्या क्या जांच करेंगे हम? बेल्ट में पहले हम लोग रस्सी को जांच करेंगे, रस्सी सही तरीका है सर, नंबर इसका प्रॉपर बबलिंग हो रहा है, दूसरा नंबर है इसका पट्टी पूरा जांच करेंगे, कहीं कटा फटा नहीं, बिल्कुल सही बताया हमने। सबसे पहले आप अपना हुक का जांच करेंगे, हुक बराबर काम कर रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जंग आ जाता है, जाम हो जाता है, मिट्टी धूल मिट्टी के चक्कर में वो जाम होने लगता है, तो जब आप दबाएंगे तो ऐसे ही फंसा रह जाता है। जब कई कई बार क्या होता है बस फंसा रह जाता है, फिर आपको हाथ से ऐसे खोलना पड़ता है उसको जोर लगा के। अब इसमें होगा क्या कि आप बोलोगे कि भाई इसमें भी तो बेल्ट फंसा रह सकता है, लेकिन आप जब ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे तो हुक अगर खुल गया लटक गया नीचे तो आप तो मतलब टोटल फ्री हो गए। बेल्ट पहनने का मतलब क्या है? जब तक बेल्ट को सुरक्षित जगह फंसा के नहीं रखोगे तब तक कोई मतलब नहीं। तो ये हुक है जरूरी चेक करना। अब कई बार क्या करते हैं इसी हुक से भी आदमी काम करने लगता है, हैमर नहीं है तो भाई ये आपके जीवन रक्षक उपकरण है कि नहीं? तो इनका सिर्फ जीवन रक्षक ही काम के लिए उपयोग होना चाहिए, उसके अन्यथा कोई काम में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज ये आपका जो इसको थिम्बल बोलते हैं, प्लास्टिक का जो कवर है इसको, ये जो आपकी यहाँ पे सिलाई है ना इसकी सुरक्षा के लिए ये दिया हुआ है, और ये आपका लेने आर्ट हो गया।
लेन यार्ड कहीं से कटना नहीं चाहिए, कहीं से जलना नहीं चाहिए और किसी भी केमिकल के संपर्क में नहीं आना चाहिए। इसके बाद में जब है ये होता है आपका क्या, शॉक एब्जर्वर। जब मोटरसाइकिल पे हम बैठते हैं तो उसमें जो शॉकअप रहता है ना, ताकि झटका ना लगे, इसी प्रकार से इसका भी काम है। ये इतना फोल्ड करके दिया जाता है और इसमें यहाँ पे सिलाई दिया जाता है कि जब अभी पहले क्या होता था, पहले नहीं आता था ये। तो कई बार ऐसा हुआ है कि आदमी ऊंचाई से गिरा लेकिन बेल्ट पहना था तो नीचे नहीं जा पाया, लेकिन इतना जोर का झटका मारा कि उसके सीने में, फेफड़े में, दिल पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो उसके लिए फिर उसमें सुधार हुआ, उसमें शॉक एब्जर्वर देने लगे कि भाई जब ऊपर से आदमी गिरे तो ये पैकेट एकदम झटका ना लगने दे, थोड़ा हल्का झटका करके खुल जाता है। उसके बाद में ये सब चीज के बारे में बताइए। ये आपका जो है डी रिंग, मेन तो यही है, इसको बढ़िया से चेक करिए, पट्टा कहीं से कटा फटा तो नहीं है, कहीं से कोई इसमें डिफेक्ट नहीं है। तो ये सब चीज़ें बेल्ट पहनने के पहले चेक करना है। और उसको पहनने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जैसे ये पहने हैं, सही है। आपका कम से कम इतना चार उंगली जा सके, बैठ के एक बार देख लीजिए कि हाँ, इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा ढीला रहेगा तो मालूम क्या होगा, गिरोगे, आपका झटका लगेगा, तो यहाँ पे जो है ना चोट पहुँच सकती है गुप्त अंगों में। इसलिए इतना टाइट भी नहीं पहनना, इतना ढीला भी नहीं पहनना कि आपको परेशानी खड़ी करने लगे। ये जो है ये बराबर लगा होना चाहिए। कई कई बार आदमी ये खोल के काम करता है, सब गर्मी लगती है, पसीना आता है, कोई मतलब नहीं। इसको बराबर लगा के रखना, उसमें भी इतना गैप रखना कि आपका चार उंगली बढ़िया से पास हो जाए। और बेल्ट जब आप पहन के काम करते हैं तो कई कई बार क्या होता है, आपकी जो वर्टिकल लैडर होता है ना, साइक्लोन का पिकअप करने जा रहा है, ऊंचाई पे चढ़ना है, तो कई कई बार उसमें पॉलिएस्टर रोप नहीं होता, रोप ग्रैब के साथ में जो हम फंसा के चढ़ते हैं, तो वो नहीं रहता, तो अपन क्या करते हैं, सीधे ऐसे चढ़ते जाते हैं, वो नहीं करना। दो आपके लिए इसीलिए दिए जाते हैं कि एक फंसाइए, दूसरा खोलिए, दूसरा फंसाइए, पहला खोलिए, बराबर दोनों बेल्ट हुक करके, दोनों बेल्ट खोल के नहीं काम करना। और ऊंचाई पे जब आप काम करें, तीन चीजें सबसे ज्यादा मुख्य है देखने के लिए, एक तो आने जाने का रास्ता, दूसरा काम करने का प्लेटफॉर्म, तीसरा लाइफलाइन का अरेंजमेंट। अभी कभी कभी देखने में आता है कि जो हम लाइफलाइन लगाते हैं उसमें क्लैंप नहीं लगाते, खाली बाइंडिंग वायर से बांध देते हैं। लाइफलाइन का हिंदी में मतलब क्या होता है मालूम, लाइफ का मतलब क्या होता है, और लाइन का मतलब लाइन रेखा, जीवन रेखा। तो लाइफलाइन का मतलब होता है जीवन रेखा, आप उसी के भरोसे ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, और जब तक वो लाइफलाइन सुरक्षित तौर पे नहीं लगाया गया है तब तक काफी सुरक्षित नहीं है। नियमानुसार तीन क्लैंप मारा जाता है, नियमानुसार तीन क्लैंप मारा जाता है लाइफलाइन के दोनों छोर पे। तो कभी कभी काम की हड़बड़ाहट में, काम की जल्दबाजी में, ऊपर से प्रेशर के चक्कर में बस लाइफलाइन मार दिया, बस दिखना चाहिए लाइफलाइन है, भाई किसको धोखा दे रहे हो आप, सेफ्टी वालों को दे रहे हो या अपने आप को दे रहे हो, सेफ्टी वाले ही को दे रहे हो ना धोखा, अपने आप को तो नहीं दे रहे, क्योंकि अपने आप को दे रहे होते तो इसको सही तरीके से सुरक्षित तौर पे काम करते। ऊंचाई के काम में किसी भी प्रकार का कोई भी लापरवाही मत करिए, और जहाँ पे आप काम करते हैं खड़े होकर, प्लेटफॉर्म बढ़िया होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, लाइफलाइन का अरेंजमेंट बराबर होना चाहिए, आने जाने का रास्ता बनना चाहिए। अभी जैसे अपना राइजर पे काम चल रहा था रामचंद जी, राइजर पे, तो ऊपर में लाइफलाइन नहीं, जाने आने का एंकरिंग पॉइंट नहीं,
अपने नंबर को तो बैंक का पिकअप करता है। साइड से पिकअप करते समय चाबी से मिलाना पड़ता है, नीचे का ओपनिंग भी ढका है, सिलाई रख के ओपनिंग भी ढक गया, वो हैमरिंग कर रहा है वो छिटक के वो दूसरा साइड में जाकर नीचे के। कई बार आदमी करता है, ऊपर में नाइट वाला आदमी प्लेटफॉर्म पर काम करके ऊपर में छोड़ के चला गया, अब जब दिन वाला गैंग आया पिकअप चालू किया हैमरिंग किया वो वाइब्रेशन में वो नीचे गिरा। इस तरीके से कई बार नियमित हुआ, परसों का नियमित बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ, 159 मीटर से वो अपना राम कुमार के वाइफ बीच का पिकअप चल रहा था, तो उसमें इतना बड़ा जो है प्लेट कटिंग किया, इतना बड़ा था उसमें, और वो प्लेट कटिंग करके उसमें पंजे साइड में रख दिया। अब वो जाली देते समय जाली का उसमें ठोकर लगा और सीधे आके दो नंबर पे फ्लोर पे यहाँ पे जहाँ पे डस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे आदमी के पास एक मीटर दूरी पे, अगर वो किसी के ऊपर गिर जाता ना वो हेलमेट बचाने वाला था और ना कोई बचाने वाला था। जब ऊपर में फोन लगाया गया तो ऊपर से गलती हो गया तो चलो ठीक हो गया, फिर उसके बाद बोला सा रखा था कहीं पर वो पता नहीं कहाँ से गए, बिल्कुल गर्म की घटना होती है। इसलिए ऊंचाई पर जब भी आप काम करो जो भी लूज मटेरियल है उसको एक सुरक्षित जगह पे जमा के रखो, काम खत्म होने के बाद उसको नीचे उतार दो, क्योंकि आपके बाद में भी अभी यहाँ पे भी कई जगह मालूम है ब्रिज पे चाबी माबी लोहे का इतना कटिंग थी अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है और वहाँ जाने का अप्रोच नहीं।